आज के इस वीडियो में हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। यह आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो तत्वरंजनी है या फिर तत्वबोधिनी है, और ये तीनों संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर से। यहाँ पे इस क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन बन सकते हैं आपके किसी भी परीक्षा में, और यहाँ पे अलग अलग बनेगा कि तत्वरंजनी सभा किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज, तो देव समाज की स्थापना की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन और बेहद महत्वपूर्ण कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो 1829 में किया गया। किसने किया? तो उस समय जो यहाँ का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बैटिक, इसी ने सती प्रथा का अंत किया था। कब? तो 1829 में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो देखिए जब अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज के अंडर में थी इंडिया, तो वहां पे कई आंदोलन हुए थे, तो उसी तरह एक आंदोलन हुआ था बहावी आंदोलन, तो इसका मुख्य केंद्र पूछा जा रहा है, तो ये था पाटलिपुत्र, मतलब कि आज का पटना। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व धर्म सम्मेलन की बात, तो ये हुआ था अमेरिका में, और स्वामी विवेकानंद वहीं पे अपना भाषण दिया था और वहीं से वो विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट चलो, मतलब कि गो बैक टू वेदास, ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और देखिए जो दयानंद सरस्वती थे, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, और इन्होंने ही नारा दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने एक आर्य समाज की स्थापना भी की थी, आर्य समाज की। तो यहाँ पे जो दयानंद सरस्वती हैं, इनसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्होंने कौन सा नारा दिया? तो वेदों की ओर लौट चलो, और इन्होंने किसका निर्माण किया? तो आर्य समाज का। अगला क्वेश्चन कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह किसका कथन है? तो ये भी है स्वामी दयानंद सरस्वती का। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी, तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। और देखिए राजा राम मोहन राय यही राजा राम है जिनके कहने पर जो अंग्रेज था यहाँ का लॉर्ड विलियम बैटिक, इसने 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कहने पर सती प्रथा को बैन किया गया? तो वो थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये था शिकागो, अमेरिका। अगला क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए जो रामकृष्ण थे, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन की स्थापना की जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, और ये कब किया गया? तो 1896 में। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, और 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और यहाँ पे जो ब्रह्म समाज था, इसकी स्थापना किसने किया? तो ये किया राजा राम मोहन राय ने, और इन्हीं के कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में जो सती प्रथा थी उसको बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये की गई थी कलकत्ता में। किसके अंडर में की गई थी? तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर, यह वचन किसने कहा था? तो ये कहा गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता, तो ये थे हेनरी विबियन डेरोजियो, हेनरी विबियन डेरोजियो थे
युवा बंगाल आंदोलन के नेता। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि बामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली, बामा बोधनी तो ये निकाला गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबाबाई फूले के द्वारा। और अगला क्वेश्चन कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब दयानंद सरस्वती के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता चुके हैं, इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौट चलो, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, और इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई, तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशवानंद सेन के प्रार्थना मतलब के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। अगला क्वेश्चन कि प्रिस्टेस ऑफ जीसस किसकी रचना है, तो ये है राजाराम मोहन राय के रचना। और इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा पूछा जाएगा कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, तो 1828 में, और जो सती प्रथा था इसका अंत कब करवाया, तो 1829 में। किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बैटिक ने। अगला क्वेश्चन कि 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज के सुधारक कौन थे, तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी। अगला क्वेश्चन कि 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था, तो ये हुआ था धार्मिक अयोग्यता कानून। और देखिए ये भारत जब आजाद हो जाता है उसके बाद ये कानून पास किया गया, धार्मिक अयोग्यता कानून। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो ये थे राजाराम मोहन राय। इन्होंने समाज के सुधार के लिए ढेर सारे ऐसे काम किए थे। आगे बढ़े तो अगला है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, तो अभी आपने देखा कि जो सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, अब कब किया गया, तो ये किया गया था 1920 में। अब 1920 से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1920 में शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अब इसे बंद कब किया गया, तो 1922 में। क्यों, तो गोरखपुर में चौरी चौरा कांड होता है उसके बाद ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन कि कन्याकुमारी का राक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है, तो ये है स्वामी विवेकानंद, और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला क्वेश्चन कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई, तो ये थे राजाराम मोहन राय, और इनको 19वीं सदी का भारत का पुनर्जागरण कहा जाता है, राजाराम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारतीयों के लिए है यह किसने कहा था, तो ये कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी 1905 में और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। क्या कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला क्वेश्चन कि किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश पंजाब एवं मद्रास में फैली, तो ये थे केशव चंद्र सेन। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो ये बनी थी 1917 में, और ये 1917 में जो एनी बेसेंट थी ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। देखिए जो राष्ट्रीय कांग्रेस था इसकी स्थापना हो जाती है 1885 में ही, और एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी था AO ह्यूम इसी के द्वारा ये रचना की गई थी इसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और 1917 में जो एनी बेसेंट थी इनको एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहां पर किया गया, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1875 में और कहां, तो न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन कि 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा, तो ये थे राजाराम मोहन राय, जिनको 19वीं सदी का भारत का
पुनर्जागरण कहा जाता है। इनको एक अलग नाम से जाना जाता है और ये इन्हें कहा जाता है युग दूत, युग दूत। तो राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर हॉकिंग किस संस्था से जुड़े थे? तो ये था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज से राजा राम मोहन राय के साथ डेविड हेयर हॉकिंग्स भी जुड़े थे। अब राजा राम मोहन राय का आपने देख लिया कि इनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राधानगर और वर्धमान जिले में, राधानगर के वर्धमान जिले में। अगला क्वेश्चन है कि 1837 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यशोधक समाज, तो ये किया गया था 1873 में, 1873 में किया गया था ज्योतिबा बाई फूले के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद मतलब कि नियो हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन पे आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर एक तिथि मनाई जाती है भारत में और ये पड़ता है जनवरी में। आपको एक हिंट दे रहे हैं जनवरी में, तो आपको उस तिथि का नाम हमें कमेंट करके बताना है। जनवरी में स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक तिथि मनाई जाती है, आपको उस तिथि पे कौन सा डे मनाया जाता है हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक यानी कि पुनर्जागरण, तो ये कहा गया है राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ पे हुई थी? तो जब इसको एक बार न्यूयॉर्क में स्थापना किया गया उसके बाद भारत में इसकी शाखा बढ़ती है और ये किया गया 1882 में। अडयार ये कहाँ पर है? तो मद्रास यानी कि चेन्नई में। अगला क्वेश्चन कि देवबंद आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हुआ था देवबंद से। अब देवबंद कहाँ है? तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो अहमदिया आंदोलन चलाया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन था? तो ये था ब्रह्म समाज। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में। कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज जो धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति पूजा होता है इसके पूरी तरह विरुद्ध है। अगला क्वेश्चन कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दयानंद सरस्वती। और सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1925 में। अगला क्वेश्चन कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में प्रारंभ में होने वाला आंदोलन कौन था? तो ये था अहरार। अहरार आंदोलन कब हुआ? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में ये आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो जो ईस्ट इंडिया में दैनिक समाचार पत्र था मतलब ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र, इसका संपादन किया गया था डेरो जियो के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। इन्होंने AMEQ स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये किया गया था केशवानंद सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसे सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का भी विरोध किया था? तो देखिए जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना होती है 1828 में और उस समय जो विलियम बैटिक था यहाँ का गवर्नर उससे कहा कि 1829 में सती प्रथा को बैन करवा दिया गया। हालांकि इस बैन के खिलाफ भी एक धर्म था और इसका नाम था धर्म सभा। इसने जो ब्रह्म समाज था इसका पुरजोर विरोध किया और इसके साथ साथ इसने जो सती प्रथा था इसका भी विरोध किया। इसके अनुसार धर्म सभा के अनुसार सती प्रथा सही था। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है एकेश्वरवाद मतलब कि भगवान एक है। अगला क्वेश्चन कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये है शिवदयाल साहब। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो ये है कमारपुकुर गांव हुगली जिला, कमारपुकुर गांव हुगली जिला। अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो देखिए ये रामकृष्ण परमहंस वही हैं जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। और उसी तरह जो इनके शिष्य हुए उनका क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद। इनका मूल नाम क्या था?
तो नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया, तो यहाँ पे ये था कि मतलब कुछ दास बनाए जाते थे, जैसे कि किसी व्यक्ति को दास बना लिया गया है, अब इसे हम बेच सकते हैं, मतलब कि इतने डॉलर में हम चाहे तो इसे किसी दूसरे को बेच सकते हैं, तो ऐसी प्रथा को भारत में 1843 में बैन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। अब ब्रह्म समाज के बारे में हम अभी बता चुके हैं, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये है महादेव गोविंद रानाडे, और इनके बारे में हम अभी बता चुके हैं आपको। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, तो ये हैं गोपाल हरी देशमुख, इनका उपनाम है लोक हितवादी, और ये कहाँ के थे, तो ये थे महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। कब हुआ था, तो 1829 में। किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बैटिक ने। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, तो ये कहा गया था ग्रांट टफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो यह था लॉर्ड विलियम बैटिक, और इसी ने सती प्रथा का अंत किया था। अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है बेलूर में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौट चलो, तो ये कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे बढ़ें, तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और आपको बता दें कि इस तरह की और भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके बड़े ही आसानी से इन्हें देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तो यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक से दो व्यक्ति के अंडर में यह पूरी क्वेश्चन घूम रहे हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद रानाडे, तो यही लोग थे जिन्होंने भारत के आज़ादी के समय धार्मिक सुधार के लिए काम किया था, और सबसे खास बात कि यही प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस स्थापना से जुड़े हुए थे, तो ये था हिंदू कॉलेज। आगे बढ़े तो अगला है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली, तो ये थे रामचंद्र विधावागीश। इन्होंने जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो इन्होंने जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना संभाली। अगला क्वेश्चन कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो ये हुआ था 1829 में, और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा, तो ये थे राजा राम मोहन राय का। अगला क्वेश्चन कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1896 या फिर 1897 में कलकत्ता में, और कलकत्ता में कहाँ, तो बेलूर मठ में। अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पे मूल नाम था इनका मूल शंकर। और अगला क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो ये है सत्यार्थ प्रकाश। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो हम उन्हें छोड़ते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, किसके द्वारा हुई थी, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अगला क्वेश्चन कि कूका आंदोलन किसने चलाया था, तो कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था, और ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था, तो इनका नाम था शारदा मणि, और रामकृष्ण परमहंस मतलब कि स्वामी विवेकानंद के गुरु। अगला क्वेश्चन कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था, तो ये भाग लिया था इन्होंने 1893 में। अगला क्वेश्चन कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, तो ये चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा।